जमात 8वीं के विद्यार्थियों का स्वागत है जी मैथ क्लास में। अज असी करांगे असाइनमेंट नंबर 62 जिहड़ी कि 61 का ही फॉलोअप आ। 61 असाइनमेंट असी कीता सी भाज योग्यता की पड़ताल, तो अज असी उहदे नाल रिलेटेड प्रश्न करांगे। ठीक है बच्चे, आओ असाइनमेंट अपने सामने रखो तो मेरे नाल नाल प्रश्नों के हल करो। प्रश्न उतार ले, पहले 5 प्रश्न मैं नोट किए हुए से। ठीक है बच्चे, चलो आओ करिए। हुण बेटा यह है 1, 5, 2, 8, 7 तो ब्रैकेट से जो नंबर लिखा है यह मतलब वो नाल उहदी पड़ताल करनी है भाज योग्यता की। ठीक है बच्चे, हुण 3 नाल भाज योग्यता की पड़ताल करने लई सानू की करना पैंदा सी, अंकों का जोड़। आओ अंकों का जोड़ करिए। ये देखो कि अंक आ 1, 5, 2, 8, 7 1+5+2+8+7 है। जो आप एडअप करते हैं 1+5 6, 6+2 8, 8+8 16 तो 16+7 कि आ गया 23। हुण 23 जड़ा है वह 3 नाल भाग नहीं हुंदा, 23 3 दे पहाड़े ते नहीं आता। इस करके असीं की लिखांगे कि 15,287 3 नाल भाज योग नहीं है। ठीक बेटा, अगला क्वेश्चन करते हैं। फिर 3 ते अंकां दा जोड़ करना है, 2, 1, 4, 6, 5, 8, 7 इन्हां नूं असीं प्लस करना है। हाँ जी, जमा करो 2+1 3, 3+4 7, 7+6 13, 13+5 18, 18+6 26, 26+7 33। हुण 33 जड़ा है वह 3 नाल भाग हो जाता पूरा पूरा। ठीक है, 33 अगर 3 नाल पूरा पूरा भाग हो जाता है तो असी की लिखांगे आ नंबर भी जड़ा हैगा 3 नाल भाज योग है। ठीक है बेटा, लेट्स मूव टू द नैक्सट क्वेश्चन। ब्रैकेट्स 9 आ, 9 आ भाज योग्यता की यदि पड़ताल करनी है, तो प्रॉपर्टी तो जोड़ा हैगा है साढ़े को रूल इज सेम फॉर 9 ऑलसो, क्योंकि 3 लिए रूल से कि प्लस करने हैं तो 9 लिए भी सेम रूल आ। असी आज प्लस करिए, देखो अंक कि 7, 9, 8 तो 6 7+9+8+6 हाँ जी एडअप कर लो बेटा। 9 तो 7 किन्ने हो जाएंगे साढ़े को 16, 16 तो 8 किन्ने हो गए 24, 24 तो 6 किन्ने हो गए 30। हुण पहाड़ा किहड़ा देखना, हुण 3 दा पहाड़ा नहीं देखना किसी ने, पहला आप 3 तो 3 ब्रैकेट्स लिखे से 3 दे पहाड़े देखे से, हुण असीं किहड़ा पहाड़ा देखना ब्रैकेट्स की है मेरे को 9, 9 दा पहाड़ा देखना। 9 दे टेबल दे उत्ते 30 आउंदा, 30 आउंदा 9 दे टेबल दे उत्ते नहीं आउंदा। इस करके जिहड़ा हैगा असीं की लिखांगे कि 7, 9, 8, 6 जिहड़ा है 9 नाल भाज योग नहीं है। राइट, अगे फिर 4th क्वेश्चन देखो बच्चे। फिर ये अंकों का जोड़ करिए, 5+8+7+6+1 हाँ जी, मेरे नाल नाल अंकों का जोड़ करो बेटा। 5 तो 8 किन्ने होंगे ने 13, 13 तो 7 किन्ने होंगे ने 20, 20 तो 6 किन्ने होंगे ने ठीक है 26, 26 तो 1 किन्ना होंगे 27। बच्चे देखो पहाड़ा किहड़ा देखना, आपां पहाड़ा किहड़ा देखना 9 का, 9 दे पहाड़े तो 27 जाता है, 9+9, 9+2, 18, 9+3, 27, 27 जा रहा ना, यदा मतलब जोड़ा है 27 9 नाल भाग हो जाता। जिते भाग हो जाता वो तुम लिख सकते हो, जिते भाग नहीं हों मैं नहीं लिखा उत्थे। ठीक है, असं की लिखांगे कि अगर 27 9 नाल भाग हो जाए तो लिखांगे 5+8+7+6+1 9 नाल भाज योग है। ठीक बच्चे, अगे देखो बच्चे कि नंबर हो 2, 3, 0 ये तो कोई नंबर नहीं, ये असं जैड का मुल लभना है कि जेकर एक कंडीशन दी कि 9 नाल भाज योग पूरा पूरा हो जाए। हुण वेखो अंकों का जोड़ मतलब जमा कर लीए। ठीक है हाँ जी, 2 तो 3 किन्ने आ गए 5, 5+0 हुण 9 का पहाड़ा मेरे को बच्चे कितों शुरू हुंदा 9 तो फिर 18 तो फिर 27 इन्ना ही बहुत है लिखना। इहनू मैं 9 बनाउणा, जैड की जगह पर मैं की पुट करा बेटा, 5 की जोड़ांगी वो 9 बन जाए। यस वेरी गुड, 4 यदा मतलब जैड कि आ सकता है 4। ठीक है, हुण तुसीं इहनू 18 बनाउणा वा, तो जे जैड नू 5 की जोड़िए 13, डबल डिजिट वाले नंबर नहीं लैने, यदा मतलब जैड कि 4 तो एन नंबर कि बन जाएगा मेरे को 234, एन नंबर कि बन जाएगा 234, तो 234 जो पूरा पूरा 9 तो जाएगा। ठीक है, 2, 3 जैड पूरा पूरा उदो कदों 9 तो जाएगा जो जैड की जगह पर मैं की भर दाँगी 4। राइट हाँ जी बच्चे, क्वेश्चन नंबर जोड़ा 5th-6 देख लें, चलो क्वेश्चन नंबर 5 करिए। एक्स का मुल लभना है, एक्स फाइंड आउट करना असी, तो जबकि पूरा पूरा 3 नाल भाज योग हो जाए।
ठीक है, असं की करना चार जमा तीन जमा एक्स जमा एक कर देना। चार तो तीन किन्ने होंगे बच्चे, सत्त, सत्त च एक्स तो जोड़ नहीं सकते पर एक तो जोड़ सकता है, सत्त तो एक किन्ने हो गए अठ, मेरे को किन्ना आ गया अठ प्लस एक्स। हूँ पहाड़ा कि तीन का, तीन के पहाड़े तो की आता तीन छे नौ, ठीक है तीन छे नौ का ही हजे चैक करते हैं असी। देखो इनू मैं हम नौ बना है, नौ बना तो एक्स में मैं भरना पेगा एक, जो मैं एक्स में एक भर तो इतने नौ बन जाएगा, ठीक है नौ जाता है ये पहाड़े पर, ठीक है तो इतने देख लें तीन छे नौ बारह पंद्रह इत तक देख लें। हूँ आ दोनों तो भर नहीं सकते छोटे नंबर, अठ च कुछ जमा करा अगल अगे ही आएगा, अठ में मैं किन्ने जमा किए एक जमा किया तो मेरे को नौ आया, नौ दे तीन दे पहाड़े पर तो होर भी आंसर हो सकते हैं। हूँ मैं अठ के नाल की जमा करा कि मेरे को बारह बन जाए चार, अठ में की जोड़ा कि बारह बन जाए चार, यदा मतलब एक्स चार भी हो सकता है, ठीक है बारह भी ये पहाड़े पर जाता। हूँ अठ में की जोड़ा कि मेरे को पंद्रह बन जाए, ठीक है अठ में की जोड़ा गे सत्त, ठीक है पंद्रह हूँ अठारह है अगला नंबर अठारह, चलो अगे वेख लें आंसर आता है। अठ में की जोड़ा कि अठारह बन जाए दस, असी मैं तुम्हें कहा कि डबल डिजिट के नहीं लैने है, जो तक सिंगल डिजिट चलता सिंगल डिजिट के लैने आंसर्स। हूँ अठ में एक जोड़िया तो नौ बन गया, नौ मेरे तीन के पहाड़े पर होंगे सी, अठ में जो चार जोड़िया मेरे को बारह बन गया, बारह साढ़े तीन के पहाड़े पर होंगे, तो अठ में जो सत्त जोड़िया तो मेरे को पंद्रह बन गया, पंद्रह भी मेरे तीन के पहाड़े पर है, तो सिंगल डिजिट आंसर आ गए ये तीन, ठीक है एक्स दिन कि वैल्यूज़ आ गई थ्री वैल्यूज़ आ गई, राइट ओके। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द असाइनमेंट इज नंबर सैवन, ये करना थ्री वन जैड एंड फाइव, तो असी कि भाजयोगता चैक करनी है नौ लई, एंड अगेन द रूल विल बी एड अप ऑल द डिजिट्स, ठीक है एड अप कर दिए। हाँ जी बच्चे जोड़े नंबरस आ वो ऐड हो सकते हैं, तीन तो एक चार, चार तो पाँच कि आ गया नौ, मेरे को कि आ गया नाइन प्लस जैड। हूँ बच्चे नौ का पहाड़ा लिख लो, नौ का पहाड़ा इतने लिख लें, नौ का पहाड़ा के नाल इतने लिख लें, नौ अठारह सताई तो छत्ती तक लिख लें, ठीक है। हूँ मैं नौ में की जोड़ा कि नौ ही रह जाए जीरो, पहला आंसर आ गया जैड इक्वल टू जीरो, क्योंकि नौ च मैं जीरो जोड़ा तो नौ ही रह जाएगा, नौ चाहिए मैनू। हूँ नौ में की जोड़ा कि मेरे को अठारह बन जाए, की आएगा नौ में की जोड़ा कि मेरे को अठारह बन जाए, नौ च नौ ही जोड़ा तो अठारह बन जाएगा, जैड इक्वल टू नाइन भी आ जाएगा। हूँ सताई बनाने लिए मैं अठारह जोड़ना पेगा, जोड़ा कि रूल के अकॉर्डिंग गलत आ, डबल डिजिट आप नहीं लैना, तो साढ़े को दो आंसर आ गए जैड इक्वल टू जीरो जैड इक्वल टू नाइन। हाँ जी इतने देखो बच्चे नंबर बना लेना सी, पहले इतने बना देनी है जैड इक्वल टू जीरो, जे मैं जैड में इतने जीरो पर आँगी तो मेरे को आ जाएगा नंबर 3105, जे मैं जैड में इतने नाइन पर आँगी तो आ गया 3195। आई थिंक पिछली असाइनमेंट में भी बेटा सी ये क्वेश्चन किया हुआ। हूँ ये देखो जो मैं एक्स में वन भर दी इतने तो मेरे को नंबर विल बी 4311, इफ एक्स इज इक्वल टू फोर दैन नंबर विल बी 4341, एंड इफ एक्स इज इक्वल टू सैवन दैन वट इज़ अवर नंबर 4371। ये तीनों जड़े ने तीन नाल भाज योग ने, तो यह दोवें जड़े ने नौ नाल भाज योग, राइट ठीक है बेटा। ये असाइनमेंट अज की फिनिश हो जाती है, असी अज एप्लीकेशन कीतिया ने रूल्स दियाँ, जे असी कल रूल सीखे सी, एप्लीकेशन का मतलब हुंदा कि जेडे कल रूल असी सीखे उन्होंने अज असी अप्लाई किया, ठीक है अज असी अप्लाई किया सैवन क्वेश्चन और मैं पूरी उम्मीद है कि बच्चों बहुत चंगी तरह समझ आ गया होगा। थैंक यू।